हेलो दोस्तों, कैसा है आप सब लोग। दोस्तों, आज हम बनाएगा हरी मिर्च और अदरक का अचार। और जो अचार है 2 मिनट में बन जाती है। अचार एक बार बनाना और सालों साल खाना, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। हमने 250 ग्राम्स लिए है बिना तीखे वाला मिर्ची, जो हल्का तीखा होता है ना, ऐसा मिर्ची ले लेना। अब थोड़ा सा तीखापन डालने के लिए रेगुलर मिर्ची भी लिया है हमने, और 2 से 3 हल लिया है हमने लाल वाला मिर्ची। हरा मिर्ची के साथ साथ कभी कभी लाल मिर्ची भी दिखता है ना, इससे कलर बड़ा अच्छा आता है, तो यह भी ले लेना। और 50 ग्राम हमने लिया है अदरक। आप अदरक की मात्रा अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकता है। अदरक को देखो हमने किसी टुकड़ों में काटा है, धोकर छीलकर अच्छे से छोटे छोटा टुकड़ा कट कर लेना इसका। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 50 ग्राम अदरक हमने धोकर छीलकर और बहुत अच्छे से कपड़ा से सुखाकर कट किया है। उसके बाद मिर्ची को भी हमने ऐसे ही धोकर और डंडी निकालकर कॉटन कपड़ा से साफ करके कट किया है। अपनी पसंद से आप कट कर लेना, लेकिन ऐसे कट करने से क्या होता है ना, खाने में आसानी होती है और अचार वेस्ट नहीं होती है। अचार वगैरह क्या होता है कि बनाने में समय लगती है, तो वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इसके लिए अचार को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ही बनाना, ये अच्छा रहती है। तो अब हमने इसमें डाला है 5 नींबू का रस। और जो नींबू का रस है ना दोस्तों, यह नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करेगी। आप नींबू के रस की जगह यहाँ पर विनेगर भी डाल सकता है। वाइट विनेगर आता है ना, एप्पल विनेगर, वाइट विनेगर, या फिर गन्ने का विनेगर भी आती है, वो भी आप डाल सकती है। और डालकर अच्छे से मिला देना, बहुत अच्छे से मिर्ची में और अदरक में मिला देना। उसके बाद दोस्तों 2 टेबल स्पून डाल देना नमक। नमक से क्या होगा ना, बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आएगा, और नमक से अचार खराब नहीं होगा, इसलिए नमक थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ही लगती है अचार में। 1 टीस्पून डालना इसमें हल्दी का पाउडर, और 1 टीस्पून डाल देना नाइजीरिया सीड्स यानी के कलौंजी। कलौंजी का बड़ा ही अच्छा स्वाद आता है अचार में। अब तीनों चीज़ों को मिलाकर अच्छे से मिक्स कर देना। देखो बिल्कुल ऐसे मिक्स करना, और उसके बाद ये जो मिक्स कर रहे हैं ना, इसको ढक्कन लगाकर 1 से 2 घंटे रख देना। उससे यह होगा कि नींबू का फ्लेवर अचार में बहुत अच्छे से जाएगी, नमक वगैरह का जो फ्लेवर है चली जाएगी, और अचार का जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर बनाता है इसका मसाला। मसाला बनाने के लिए मसाले को पहले भुनेगा। उसके लिए ले लेना सबसे पहले 2 टेबल स्पून होल कोरिएंडर सीड्स यानी कि सूखा धनिया। दोस्तों बड़ा ही अच्छा का फ्लेवर आता है। अब हमने लिया है फेनल सीड्स, तो फेनल सीड्स आपको डालना है 1 टेबल स्पून, जितना धनिया है उसका आधा फेनल सीड्स। और 2 टेबल स्पून दोस्तों डालना है राई, तो राई डालना है दोस्तों, सरसों दाना बिल्कुल ना डालना। तो दोस्तों ये जो मसाला है इसे लो फ्लेम पर भूनना जरूरी है। लो फ्लेम पर भूनने से मसाले में रखे रखे मॉइस्चर आ जाती है, एक नमी पकड़ लेता है मसाला। तो अगर आप बिना भुने डालेगा ना अचार में, तो अचार ख़राब हो जाती है, इसलिए इसको भूनना है। भुनने से क्रिस्पी भी होगा, और इसका जो एक नेचुरल ऑयल होता है ना, वो रिलीज़ होगा, और फिर आपका अचार बहुत बढ़िया बनेगा। और इसमें जो राई है ना, राई ही लेनी है। राई नेचुरल खटास देती है अचार को। राई एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है, जो कि अचार का सेल्फ लाइफ बहुत बढ़ाता है। तो दोस्तों राई ही लेना है, सरसों दाना ना लेना, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। राई दिखने में बहुत बारीक होती है, और सरसों दिखने में बहुत मोटा होता है। और राई 2 कलर का आता है, काला और पीला। आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है अचार बनाने के लिए। अब 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल धुआं आने तक गर्म करना। यूं तो आप अचार कोई भी तेल में बना लेना, लेकिन सरसों के तेल में एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव होती है, जो कि आपके अचार को बहुत लंबा चलाती है, और स्वाद भी बहुत अद्भुत आता है। इसलिए इंश्योर करना कि आप इसे सरसों के तेल में ही बनाना। अब जो ये मसाला है ठंडा कर लेना। 1/2 चम्मच काला नमक डाल देना, 1/4 चम्मच हींग डाल देना, और 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालकर इसको दरदरा पीस लेना। और ये देखिए दरदरा पीस लिया हमने, और जो 1 घंटा हो गया है ना ये मिर्ची को रखे हुए, 1 घंटे के बाद इसमें ये मसाला डाल देना। तो जितना मसाला लिया है सारा डाल देना। टोटल 300 ग्राम हरा मिर्ची है ये, 250 ग्राम हल्का तीखा, और 50 ग्राम थोड़ा तीखे वाला भी डाला है। जैसा आपको मिर्ची पसंद है, तीखा बिना तीखा आप यूज़ कर सकता है। मसाला डालकर अच्छे से मिला देना। दोस्तों 2 मिनट से ज़्यादा का समय बिल्कुल नहीं लगता है अचार बनाने में, और अचार इतना स्वाद बनता है कि आप इसे बनाएंगे। एक बार बनाना, बोतल भर के रखना, महीनों खाना, सालों साल खाना, खराब नहीं होगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब ये जो मसाला है अच्छे से मिला देना। इस तरीके से छोटा छोटा मिर्ची कट करने का फ़ायदा यह भी होता है कि जो मसाला डाल रही है ना, पूरी मिर्ची में अंदर तक चली जाती है, तो मसाला अच्छे से मिर्ची के अंदर जाएगी, और एक एक टुकड़े में आप इसे आसानी से खा सकता है, वेस्टेज नहीं होगा।
अब जो तेल गरम किया था ना, वह इसमें 2 से 3 चम्मच डाल देना। देखिए इतना तेल डालना है कि अचार में तेल अच्छे से मिल जाए। तो ये देखिए यहाँ पर ये तेल जो है अच्छे से हमने मिला दिया है और बस ये अचार बनकर तैयार है। आप इसे 2 से 3 दिन में खा सकते हैं। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हमें एक बोतल में भरेगा। अब जो बोतल आप लेता है, कांच का बोतल लेना दोस्तों। वैसे तो कांच के बोतल में प्रीफर करते हैं अचार भरना, लेकिन कई बार घरों में कांच का बोतल नहीं होता है तो आप प्लास्टिक बोतल में भी डाल सकता है, अचार खराब नहीं होता है। हम खुद घर में प्लास्टिक बोतल में अचार रखता है, खराब नहीं होती है। अब हमने अभी लिया है कांच का बोतल। जो भी बोतल आप इस्तेमाल करता है ना कांच का, उसको गर्म पानी में पहले 2-3 मिनट अच्छे से उबाल लेना, फिर उसके बाद धूप में रख देना। बेसिकली उसका जो पानी है बोतल का, वह बोतल में नहीं होनी चाहिए, एकदम ड्राई बोतल इस्तेमाल करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब जैसे हम ये प्लास्टिक का बोतल ले रहा है, घर में हमारे मेयोनेज के डब्बे आते हैं, जैम के डब्बे आते हैं, प्लास्टिक के बहुत सारे बोतल्स आते हैं, तो उसमें भी आप अचार भर सकता है। अब देखो हमने भरा है, लेकिन जो बोतल आप इस्तेमाल करता है प्लास्टिक का, उसमें आपको क्या करना है, 1 चम्मच नींबू का रस डाल देना, या फिर जो तेल गर्म किया था ना, इसको ठंडा करके इस प्लास्टिक बोतल में घुमा देना, और सेम प्रोसेस आपको कांच का बोतल के साथ भी करना है। जो भी बोतल आप यूज़ करता है, उसमें नींबू का रस, विनेगर या फिर सरसों का तेल डालकर घुमा देना, और उसके बाद अचार को दबा दबा कर भरना। अचार को दबा दबा कर भरना और ऊपर से जो गर्म किया हुआ तेल था, जब ये ठंडा हो जाए तब ऊपर से थोड़ा सा डाल देना, और उसके बाद 2 दिन के बाद ये अचार खाना, अचार तैयार है। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है अचार बनाना। तो 2 मिनट में अचार बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल ऐसे बनाना खाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना।